तेज कदमों के साथ एम्पायर को क्रॉस करते हुए सनी के लिए गेंद, पर गेंद को हाथ में रक्षण कर उसे खेलना साथ है, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, गैसी भी विकेट के पर दस्तानों में अच्छी गेंदबाजी, लाइन और लाइन डिलीवरी डाल रहे हैं अमृत साई, वापिस चले अमृत साई चले भाई कैम ग्राउंड विकेट एम्पायर को क्रॉस करते हुए सनी के लिए गेंद, पर गेंद को टाकर खेल दिया, गेंद गैरसी सीमा रही एक बार छह रनों के लिए, बैट और बॉल में अच्छा संपर्क, मधुर आवाज और गेंद सीधी सी मारे एक बार छह रनों के लिए, और इसी छक्के की बदौलत स्कोर पहुंचा 7 रन, इसी के साथ सनी ने छक्के के साथ अपना खाता खोला, बहुत ही बढ़िया छक्का और गेंद सीधी कमिट बॉक्स के अंदर, वापिस चले अमृत साई, साई चले वापस राइट टाइम आउट विकेट एम्पायर को क्रॉस करते हुए सनी के लिए गेंद, पर गेंद को उठाकर खेलना चाहता था, तो गेंद को खेल दिया था, तो गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से 2 रन पूरे कर लिए थे, गुड रन द बिटवीन द विकेट, और इन्हीं 2 रनों के बदले स्कोर पहुंचा 7 रन, हटाबो मत दो कैमरा को थोड़ो लाइव बड़े जरूर वाले 9 रन के 9 रन वापस चले साई, आवाज आया कोनी हेलो साई चले वापस कुछ सुधार करते हुए फील्डिंग में, बहुत ही बढ़िया छक्का लगाया था उन्होंने सनी ने, वापिस चले साइंस चले राइट हम ओवर द विकेट एम्पायर को क्रॉस करते हुए सनी के लिए गेंद, उल्टा गेंद और खेल खेलना चाहते थे, जोरदार अपील एम्पायर तेज से मस्त नहीं हुई, इसी के साथ ओवर समाप्त, एक ओवर की समाप्ति बाद स्कोर पहुंचा 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, बहुत ही बढ़िया गेंद अमृत द्वारा, अब नए गेंदबाज आए हैं मुकेश कुमार, मुकेश दाएं हाथ के तेज गेंदबाज और सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश सुतार और सामने मुकेश चांदोरा, वापिस चले काफी लंबा रनअप, चांदोरा चले राइट हम राउंड विकेट एम्पायर को क्रॉस करते हुए सुरेश के लिए गेंद, गेंद को खेलना चाहते थे, इसी के साथ एम्पायर का इशारा व्हाइट गेंद अतिरिक्त रनों में इच्छा पहुंचा हुआ, और वापिस चले मुकेश, मुकेश चले वापिस राइट हम राउंड विकेट एम्पायर को क्रॉस करते हुए सुरेश के लिए गेंद, और गेंद बॉल के हाथों से खेल दिया था, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा पेश किया उन्होंने, दोनों बल्लेबाजों को तमाम रन लेने की कोशिशों को नकारा, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और वापस चले मुकेश और सामने सुरेश, मुकेश चांदोरा चले राइट हम राउंड द विकेट एम्पायर को क्रॉस करते हुए सुरेश उतार के लिए गेंद, शॉर्ट पिच गेंद और गेंद को खेलना चाहते थे, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, और एम्पायर का इशारा व्हाइट गेंद, इसी के साथ अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ, और इसी एक रन की बदौलत स्कोर पहुंचा 11 रन, वापिस चले एम्पायर को क्रॉस करते हुए सुरेश के लिए गेंद, शॉर्ट पिच गेंद और गेंद को खेल दिया है, तो गेंद को फील्ड कर गेंद सीधी जारी से मारेगा के बाद 4 रनों के लिए, मात्र गेंद को थप्पड़ सा जड़ दिया था, गेंद सीधी से मारेगा एक बार 4 रनों के लिए, और इसी छक्के की बदौलत स्कोर पहुंचा 15 रन, बहुत ही बढ़िया बैटिंग, मात्र हल्के हाथों से गेंद को कट कर दिया था, वापिस चले चांदोरा, चांदोरा चले वापिस राइट हम राउंड विकेट एम्पायर को क्रॉस करते हुए सुरेश सुतार के लिए गेंद, शॉर्ट पिच गेंद और गेंद को खेलना चाहते थे, एम्पायर भी सारा व्हाइट गेंद, तो दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन पूरा कर लिया था, भाई का रन आगे रन में दौड़ता था भाई, तब तक गेंद मिस फील्ड होती और थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन सुरा लिया था, बहुत ही बढ़िया रन बिटवीन द विकेट दोनों ही विकेटों के बीच, और एम्पायर इशारा व्हाइट गेंद रने ठीक है, बहुत ही बढ़िया, वापिस चले काफी लाइन से भटक रहे हैं बार बार मुकेश, वापिस चले सोचे मुकेश की गेंद, वापिस शॉट दिस गेंद और गेंद को उठाकर खेल दिया, पीछे कोई फील्डर नहीं है, गेंद निश्चित तौर पर जाएगी सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए, और इसी चौके की बदौलत स्कोर पहुंचा 22 रन, बहुत ही बढ़िया बैटिंग, और अपना कोटे का प्रथम ओवर लेकर आए थे मुकेश चांदोरा।
मात्र 3 गेंदें डाली अभी तक उन्होंने और काफी महंगा ओवर उनका। मुकेश से ले वापिस, एम्पायर को क्रॉस करते हुए सुरेश के लिए गेंद, वापिस वापिस गेंद और जोरदार अपील की, एम्पायर तक से मत नहीं हुए। बहुत ही बढ़िया गेंद, वापिस कम बैक किया उन्होंने इस गेंद पर। वापिस चले मुकेश शांदोरा, वापिस चले मुकेश, राइट हैंड राउंड विकेट, एम्पायर को क्रॉस करते हुए सुरेश सुथार के लिए गेंद और गेंद को टांग खेलना चाहते थे, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं किया, सीधे विकेट कीपर के दस्तान और अच्छे तरीके से गेंद को पीछे गिर किया, रन लेने की तमाम कोशिशों को नकारा। वापिस चले मुकेश शांदोरा, बहुत ही बढ़िया गेंद अब की बार कम बैक किया उन्होंने दो गेंदों पर। वापिस चले सुरेश किए ये गेंद, वापिस शॉट पिच गेंद और गेंद को खेलना चाहते थे, जोरदार अपील। इसी के साथ और समाप्त, दो ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया बैटिंग, तारीफ की जाए इतनी कमजोर नहीं बल्लेबाजों की। अब नए बैट गेंदबाज आए हैं इमरत, इमरत जाकर आए हैं नए गेंदबाज के रूप में अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में एक गेंदबाज अधिकतम दो ओवर डाल सकते हैं और 3 ओवर पावर प्ले के रहेंगे। एक बार पुनः बाहर से पधारे हुए सभी दर्शकों का एवं खिलाड़ी बंधुओं का हार्दिक अंतस्थ गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। वापिस चले अमृत जाकर और सामने सनी, काफी अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। बहुत ही बढ़िया मैच का लुत्फ उठा रहे हुए सभी दर्शक। आपको बता दें कि कुमावत 17 बार शिनंद्री से पधारे हुए सभी दर्शकों का हार्दिक अंतस्थ गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत रहेगा। वापिस चले अमृत जाकर, सामने सनी के लिए गेंद, शॉट पिच गेंद और गेंद को खेलना चाहते थे, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंद अमृत जाकर द्वारा और सामने सनी, वापिस चले जाकर इज राइट राउंड विकेट, एम्पायर को क्लोज करते हुए सनी के लिए गेंद, वापिस शॉट पिच गेंद और गेंद को टांगकर खेल दिया, मौका बन सकता है एक आसान था और गेंद चली जाएगी सिमारे के अखबार 4 लोगों ने। बहुत ही बढ़िया, कहते हैं कि कैच पकड़ो मैच जीतो, कैच छूटा तो मैच आप हार जाओगे। बहुत ही बढ़िया, छोटा बैटर बॉल में टच संपर्क मधुर आवाज और गेंद सीधी सिमारे का अखबार 4 लोगों ने और इसी शॉट पिच बदौलत स्कोर पहुंचा 26 रन। वापिस चले अमृत जाकर ये गेंद सनी के लिए और गेंद को मौका एक और बन सकता था, एक बार फिर कैच थ्रो हुआ और गेंद जा रही है तो जब उनको फील्ड करते और थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 2 रन पूरे कर लिए थे और इन्हीं 2 रन मुकम्मल की बदौलत स्कोर पहुंचा 28 रन। इमरत की काफी अच्छी गेंद और इतनी ही अच्छे तरीके से गेंद को सनी पुशअप कर रहे हैं। वापिस चले इमरत जाकर इस राइट राउंड जो विकेट एम्पायर को क्रॉस करते हुए सनी के लिए गेंद और गेंद को उठाकर खेल दिया है, एक और मौका बन सकता है, एक और कैच छूटा, खराब फील्डिंग काफी खराब फील्डिंग रहेगी देखा जाए तो, एक और कैच छोड़ा उन्होंने लॉन्ग आउट पर खड़े खिलाड़ी ने और इसी कैच ड्रॉप की बदौलत दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से अपना शोर बदला। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन रहेगा कि कमेंट्री बॉक्स के अंदर एक पानी की बोतल की व्यवस्था कराई जाए। हमारे स्कोरर और लाइव मास्टर काफी प्यास से जूझ रहे हैं। जाकर चले वापिस, जाकर चले राइट हम राउंड विकेट, एम्पायर को क्रॉस करते हुए सनी के लिए गेंद, वापिस ऑफिस गेंद और एक गेंद को खेल दिया, गेंद जारी सुनारे का अखबार 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया चौका, बार बार शॉर्ट पिच गेंद और वही नतीजा वही और इसी सौके के बदौलत स्कोर पता 34 रन। वापिस चले जाकर, सनी के लिए गेंद और गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में। इसी के साथ ओवर समाप्त, 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
बहुत ही बढ़िया बैटिंग का नजारा पेश किया है दोनों बल्लेबाजों ने। सॉरी चौथा ओवर प्रगति पर है और अपने कोटे का प्रथम ओवर लेकर आए हैं। आपको बता दें कि जो भी लीग मैच होंगे वो 10-10 ओवर के मैच खेले जाएंगे, जिसमें से एक एडमार्च अधिकतम दो ओवर डाल सकता है और पावर प्ले 3 ओवर का रहेगा। और स्ट्राइक पर हैं सुरेश सुतार और नॉन स्ट्राइक पर वापिस शनि और गेंदबाज की भूमिका निभा रहे हैं पोकर राम। हेलो 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 आपको बता दें कि ये सभी मैच हमारे YouTube पर लाइव दिखा रहे हैं, वीके एजुकेशन, जिस पर अब हाल ही में 35,243 दर्शक लाइव मैच देख रहे हैं। आपको बता दें आप भी इस लाइव मैच का लुत्फ उठा सकते हैं वीके एजुकेशन पर जाकर। वापस चले पोकर की गेंद, शॉर्ट पिच गेंद और गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया है, तब गेंद को गेंद जा रही है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग जोगा राम द्वारा, तारीफ की जाए अपनी कमी सब बल्लेबाज की, अच्छी गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने दो रन आसानी से पूरे कर लिए थे। वापिस चले पोकर और सामने सुरेश सुतार, पोकर की गेंद और गेंद को उठाकर खेल दिया, पीछे कोई फील्डर नहीं है, तब आउटफील्ड उस साइड में काफी धीमा, तब तक फील्ड करते और थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से दो रन पूरे कर लिए थे। बहुत ही बढ़िया सूझबूझ भरी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा और इन्हीं दो रनों की बदौलत स्कोर पहुंचा 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। वापिस चले पोकर की गेंद सुरेश के लिए और गेंद को उठाकर खेल दिया, पीछे कोई फील्डर नहीं है और एम्पायर का डिसीजन अंतिम रहेगा और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और इसी सौ एक बदौलत स्कोर पहुंचा 42 लॉस्ट ऑफ 0 विकेट। वापिस ले पोकर लाइन से भटक रहे हैं बार बार, शॉर्ट पिच गेंद डाल रहे हैं और गेंद को हुक कर रहे हैं बार बार सुरेश सुधार। वापिस ले पोकर की गेंद सुरेश सुतार के लिए और गेंद को पीछा किया, गेंद का खेलना चाहते थे और एम्पायर का डिसीजन वाइट रहेगा और अत्यधिक रनों में इजाफा होता हुआ खराब लाइन से पटके एक बार पुनः पोकर चले वापिस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, काफी लंबा रन आप स्वतः कद के गेंदबाज। वापिस चले पोकर से ले राइट आर्म फ्रॉम द विकेट एम्पायर को क्रॉस करते हुए सुरेश के लिए गेंद और गेंद शॉर्ट पिच गेंद और खेलना चाहते थे, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट के प्रकट स्थानों में, रन लेने की तमाम कोशिशों को नकारा एक बार पुनः। ये गेंद उनके लिए सुरेश के लिए और गेंद को उठाकर खेल दिया और गेंद का अंतिम डिसीजन रहेगा पैरों के लिए, बहुत ही बढ़िया छक्का, गगन छोटी छक्का, गेंद सीधी दर्शन खुलता बंदर, बैट और बॉल में साफ संचार और मधुर आवाज और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाद पैरों के लिए और इसी छक्के की बदौलत स्कोर पहुंचा आपको बता दें 49 रन। वापिस ले शॉर्ट पिच गेंद, बढ़िया तरीके से गेंद को हुक किया था, वापिस राइट हैंड ओवर द विकेट सुरेश सुतार के लिए गेंद, कुछ तकनीकी खराबी आई उनके और वापिस चले पोकर
वापिस ले गोकर, काफी लंबा रन अब उनका, वापिस ले गोकर राइट टर्म आउट द विकेट एम्पायर क्रॉस करते सूरज के लिए गेंद शॉर्ट पिच गेंद और गेंद को उठा करके लिया है, एक और मौका बन सकता है मुकेश के पास और गेंद से भी एम्पायर का डिसीजन अंतिम रहेगा छह रनों के लिए, बहुत ही बढ़िया छक्का और इसी सके के बदौलत स्कोर पहुंचा 55 रन 50 पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ और समाप्त चार ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 55 रन बिना किसी के नुकसान का काफी महंगा ओवर, काफी महंगा ओवर साबित हुआ है। उन्होंने 100 गेंदों में मात्र 21 रन खर्च किए हैं आपको बता दें। अब वापस आए इमरत साई अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए और इस पारी का पांचवा ओवर प्रगति पर। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन रहेगा कि मैदान के अंदर पानी की व्यवस्था करा दी जाए। सीएफसी टाइम आउट। हेलो 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 टेक वीडियो पे एम्फेसिस में टेक भी करो सीसी सी टाइम आउट है वो के भी केड़ो गाल में लाइक बोल दे बुझ बढ़िया है मुई आऊं बोलो कमेंट वाले कोने कोने बतावे हेलो के जो बरा नहीं बाबों से जिसने बेती रस धार नहीं, के जो बरा नहीं बाबों से जिसने बेती रस धार नहीं, वो हृदय नहीं पत्र है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वापिस चले अमृत साई राइट हम ओवर द विकेट एम्पायर को क्रॉस करते हुए सनी के लिए गेंद, गेंद को टारगेट खेलना साथ है तो बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, गेंद सिर्फ विकेट की प्रकट स्थानों में अच्छे तरीके से गेंद को गेंद किया। वापिस चले अमृत साई बार बार गेंद को हिट करना चाह रहे हैं सनी, वो शकों के लिए जाने जाते हैं, अपनी पहचान मात्र शकों से पेश करते हैं वो। वापिस चले अमृत साई द्वारा तारीफ की जाए उतनी कम इस एकमात्र गेंदबाज की। वापस चले अमृत साई से वापस राइट हैंड राउंड विकेट एम्पायर को क्रॉस करते हुए सनी के लिए गेंद, गेंद को टारगेट खेलना चाहते थे गेंद सीधी उनके थाइस पे जा टकराई, लंदन ने की तमाम कोशिशों को नकारा, लगातार उन्होंने शार गेंद दौड़ डाली है, बहुत ही बढ़िया गेंद एक बार अमृत साई द्वारा और वापस चले अमृत साई सामने सनी, सनी के लिए गेंद अमृत साई की, गेंद को टाकर खेलना चाहते थे बैट और बॉल में इतना अच्छा संपर्क नहीं रहा, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से दो रन पूरे कर लिए थे और इन्हीं दो रनों की बदौलत स्कोर पहुंचा 57 रन। वापिस चले अमृत अपने कोटे का अंतिम ओवर डाल रहे हैं और कोटे के अंतिम गेंद डाल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अमृत साई द्वारा। अमृत साई चले वापिस राइट हैंड राउंड द विकेट एम्पायर क्रॉस करते हुए सनी के लिए गेंद, गेंद को एक बार फिर उठाकर खेलना चाहते थे बैट और बॉल में इतना वापस संपर्क अच्छा नहीं रहा और तब तक गेंद को फील्ड करते तब तक थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से दो रन एक बार पुनः पूरे कर लिए थे और इन्हीं दो रनों की बदौलत स्कोर पहुंचा 59 रन। पांच ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 59 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। अब नए बल्लेबाज गेंदबाज के रूप में आएगा जोगाराम बहुत अपना हाथ उठाए गेंदबाज, हाथों से करो भाई। हेलो अब नए बल्लेबाज सॉरी गेंदबाज आए हैं जोगाराम
और सामने है सुरेश सुधाक। अमृत साई द्वारा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, मात्र अपने कोटे के दूसरे ओवर मात्र 4 रन कर्स किए उन्होंने। और वापिस अब गोमाराम और सामने सुरेश सुधाक। एम्पायर से निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द मैच वापस शुरू करा दिया जाए। वापिस चले जोगाराम, जोगाराम की अगेन फुलटॉस गेंद और लाइन से पट गए और वाइट गेंद और इसी के साथ गेंद सीधी सी मारे के बाद 4 लोग लिए वाइट का एक चौका 4-5 रन चार लिए और इन्हीं 5 रनों में जिन बदलों के स्कोर देकर 64 रन। लाइन से पट गए जोगाराम, अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं और पारी का 17 ओवर प्रगति पर। वापिस चले जोगाराम, जोगाराम की गेंद सुरेश के लिए फुलटॉस गेंद, हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव कर लिया था, तब तक फील्ड करते और थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन पूरा कर लिया था और इसी 1 रन की बदौलत स्कोर पहुंचा 65 रन। वापिस चले जोगाराम, बहुत रुके स्टार्ट करने वापिस चले जोगाराम और सामने है सनी। एक बार पूरा खराब फील्डिंग और गेंद सीधी सी मारेगा एक बार 4 रनों के लिए। वापिस चले जोगाराम, जोगाराम की गेंद सनी के लिए फुलटॉस यॉर्क लाइन डिलीवरी बीट हुई एक बार पुनः, तब तक मिस फील्ड एक बार पुनः, तब तक फील्ड करते और थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन पूरा किया। वापिस चले जोगाराम और सामने सुरेश सुधाक। जोगाराम, जोगाराम एम्पायर को क्रॉस करते हुए गेंद सुरेश सुधाक के लिए, गेंद को खेलना चाहते थे बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। जोगाराम की गेंद सुरेश सुधाक के लिए और गेंद को खेलना चाहते थे एक बार पूरा गेंद उनके थाईस पे जा टकराई, रन लेने की तमाम कोशिशों को नकारा। वापिस चले जोगाराम, जोगाराम काफी अच्छी गेंद उन्होंने की। वापिस चले एम्पायर को क्रॉस करते हुए सुरेश सुधाक के लिए, रिवर्सिप गेंद को खेलना चाहते थे बैट और बॉल में इतना अच्छा संपर्क नहीं, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सुरेश सुधाक को। इसी के साथ ओवर समाप्त, 100 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 71 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया बैटिंग दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। अब आए अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए इमरत जाखर और जीत के लिए मात्र 13 रन चाहिए। इमरत और सामने सुरेश सुतार, बहुत ही बढ़िया बैटिंग की उन्होंने, कप्तानी पारी खेली उन्होंने। वापिस चले एम्पायर को क्रॉस करते हुए अमृत, अमृत की गेंद फुलटॉस गेंद बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। वापिस चले अमृत जाखर और सामने सुरेश सुधार, ये उनकी गेंद और गेंद को उठाकर गेंद वापिस पंद्रह का मौका बन सकता है। इसी के साथ सुरेश की पारी का हुआ अंत और बल्लेबाज Hey!
मोहम्मद पास के रूप में परवीन सितार इसी के साथ कप्तानी पारी का हुआ अंत। काफी बढ़िया बैटिंग की उन्होंने, तारीफ भी जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की। अब नए बल्लेबाज के रूप में आए परवीन सुतार। रमेश साई ने बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा है, सुंदर वापिस चले। अब पहली सफलता मिली है इंद्र जाखड़ को। अब वापिस बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं परवीन सुतार। जाखड़ की गेंद पर गेंद को हल्के हाथों से ड्राइव कर लिया था, रन लेने की तमाम कोशिशों को नकारा। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग इमरत चाकड़। काफी लंबा रन अप उनका। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज एम्बर को सही गेंद, शॉर्ट पिच देर गेंद, गेंद उठा के खेल दिया है। पीछे फील्ड है तो जो फील्ड करते हैं थोड़ा करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन पूरा कर लिया है। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग पॉकर द्वारा। अब सामना करेंगे इमरत जाखड़ का, सामना करेंगे शनि प्रजापत। वापिस चले इमरत जाखड़ और सामने शनि। दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के गेंदबाज है इमरत जाखड़, तो उन्हें आसानी रहेगी उनको गेंद करने की। इमरत जाखड़ और सामने शनि। इमरत जाखड़ की गेंद खराब गेंद, पटकी हुई गेंद, एम्पायर का डिसीजन व्हाइट रहेगा। वापिस चले इमरत, गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। एम्पायर का डिसीजन अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, आपको बता दें इमरत जाखड़। और इसी के साथ वन बाउंस का भी इशारा है। अबकी बार आपने बाउंस फेंक दी तो नो बॉल का इशारा कर दिया जाएगा। ये गेंद सनी के लिए, योक लाइन डिलीवरी पीट हुई एक बार पुनः सनी। बहुत ही बढ़िया गेंद, तारीफ की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज गेंदबाज की। जरा वापस इमरत जाखड़ की गेंद सनी के लिए एक बार फिर। बहुत ही बढ़िया गेंद, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तारों में। बार बार पीट हुए हैं सनी। लॉस ऑफ वन विकेट, 11 रन मात्र इस मुकाबले में विजय होने के लिए गाला वाली टीम को चाहिए। 18 गेंदे और 11 रन मात्र। अगली घड़ी में मेरे साथी कमेंटेटर रामाराम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। कुछ क्षणों की कमेंट्री आप करें प्लीज, कुछ तकनीकी खराबी की लघु शंका की वजह से मैं जा रहा हूं। प्लीज आए और हम अपना माइक संभालें। प्लीज कम इन स्टेज फ्रॉम रामाला। गेंद को खेलना चाहते थे, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट के ऊपर गुदस्तान में। जीतू ये बताइए।
भाई ठीक करो ना यार कमेंट्री डीवी पेंडिंग है गीताय गुणेशानाय धीमहि जी के साथ नए बैट्समैन पहुंचे हैं नरपत जांगीर पर मात्र 11 रन चाहिए इस प्रतियोगिता में विजय बने रहने के लिए आई माता क्रिकेट क्लब गालानाडी सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दर्शकों की भीड़ जल्दी से बढ़ रही है। इस मैच का लाइव आनंद लेने के लिए हमारे YouTube चैनल VK एजुकेशन पर देख सकते हैं आप। को क्रॉस करते हुए नटक के लिए ये बॉल ड्राइव किया तब तक दोनों बल्ले बजाने आसानी से दो रन पूरे किए। एक रन की बदौलत स्कोर पहुंचा 74 रन। मात्र 10 रन की आवश्यकता है इस प्रतियोगिता में विजय बने रहने के लिए। पोकराम चले एम्पायर को क्रॉस करते हुए सन्नी प्रजापत के लिए बॉल बॉल हवा में है नीचे फील्डर मौजूद है और एक बार फिर मौका मिला इस की बदौलत स्कोर पहुंचा 76 रन 76 लॉस ऑफ 2 विकेट। आज सन्नी किस्मत साथ लेके आए हैं कैच पे कैच टूटते जा रहे हैं। बार बार होने की वजह से पोकर राम चले एम्पायर को क्रॉस करते हुए सनी के लिए बॉल बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं बहुत भारी अपील एम्पायर पर कोई असर नहीं वापिस बॉल बॉलर के हाथों में पोकर राम को क्रॉस करते हुए शनि के लिए बॉल वापिस निकला है नीचे कोई फील्डर मौजूद नहीं तब एक दोनों ही बल्लेबाज ने आसानी से अपना शोर बदला इसी बदलत स्कोर पहुंचा 77 लॉस ऑफ 2 विकेट। 13 बॉल पर 7 रन की आवश्यकता है। बने हुए हैं नरपत जीपीएल भोर के मैन ऑफ द सीरीज प्रतियोगिता के विजेता रहे हैं नरपत बहुत अच्छे बैट्समैन और बॉलर के रूप में जाने जाते हैं। पोकर हम चले एम्पायर को क्रॉस करते हुए नरपत के लिए बॉल बहुत शान चूट बूझ के साथ खेल रहे हैं नरपत और हल्का सा ड्राइव किया इसी के साथ 71 रन ओवर की समाप्ति पर
आठ ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दर्शकों का हौसला धीरे धीरे बढ़ता हुआ, विजय की ओर बढ़ती हुई गाला नाडी टीम। सभी दर्शकों की निगाहें इस मैदान पर टिकी हुई, इस मैच का लाइव आनंद ले रहे हैं 3512 लोग। वीके एजुकेशन चैनल पर इस मैच को लाइव दिखाया जा रहा है और माजी से ग्राउंड में सभी बने दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बॉलर नेम गोगाराम चले एम्पायर को। दोना कला के लिए ओवर लेके आए हैं जोगाराम। जोगाराम चले एम्पायर को क्रॉस करते हुए नरपत के लिए बॉल, वाइड बॉल एम्पायर का इशारा। अतिरिक्त रन में इजाफा होता हुआ इस प्रतियोगिता में विजयी बने रहने के लिए 5 रनों की आवश्यकता है। स्कोर पहुंचा 80 रन। जो गरम समय कुछ फील्ड में परिवर्तन करते हुए लोना कला की टीम जो गरम समय एम्पायर को क्रॉस करते हुए सन्नी प्रजापत के लिए बॉल, आसानी से एक रन पूरा किया। इस एक रन के बदौलत स्कोर पहुंचा 81। लॉस ऑफ 2 विकेट, मात्र 2 रन की आवश्यकता है, 3 रन की आवश्यकता है। इस मैच के बाद चोरों की ढाणी वर्सेज जीवाणा के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। जोगाराम चले एम्पायर को क्रॉस करते हुए नरपत के लिए बॉल, बल के हाथों से ट्रैप किया, तभी दौड़ना बना लगा, आसानी से 2 रन पूरे किए। इस रन की बदौलत स्कोर पहुंचा 82। करने के लिए बॉल, बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं, 4 रन। उसी के साथ गाला नाडी ने ये मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया है। जीपीएल साइड की 57 विजेता टीम गाला नाडी, हाई माता क्रिकेट क्लब गाला नाडी। लोना कला के कप्तान कमेंट्री बॉक्स पर पहुंचे, मैन ऑफ द मैच सनी कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। मैन ऑफ द मैच
बादाराम सनी को सिंह देकर शहर रमेश प्रदान कराना। बहुत ही शानदार अच्छी बैटिंग की सनी प्रजापत ने, इसके बदौलत गड़ा नाड़ी ने शानदार मुकाबला 8 विकेट से जीता है। सभी दर्शक एक बार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। नेक्स्ट मुकाबला सोडो के ठाणी वर्सेज जीवाणा के मध्य बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। कैप्टन सुरेश जांगिड़ से निवेदन है कि वो